राजनपुर कचरे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ फाइनल राउंड की तैयारी। आरपीओ फैसल राणा ऑपरेशन की निगरानी के लिए थाना सोनम जानी पहुंच गए। स्पेशल पुलिस यूनिट समेत पुलिस की इजाफी नफरी तलब, बख्तर बंद और एपीसी गाड़ियां इलाके में पहुंचा दी गई। रेंजर्स तलब करने पर भी गौर, पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को चारों अतराफ से घेर लिया। पढ़ाया कुछ नहीं, फिजिकल इम्तिहानात कैसे थे? डेरा गाजी खान में तलबा सड़कों पर निकल आए, डॉट पुल पर मुजाहिरा, कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखी। भावलनगर और जिहानिया में भी तलबा सरापा एहतजाज, मुजाहिरी ने तैयारी के लिए मजीद वक्त मांग लिया, हुकूमत से मामला हल करने की अपील। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल, 10वीं और 12वीं की क्लासेस का भी आगाज। तलबा की 50% हाजिरी के तहत शिरकत, पहली से 8वीं तक क्लासेस 7 जून से शुरू होगी। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करा, कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस 10 जिंदगियां निकल गया, मुल्तान में 8 और डीजी खान में 2 मरीज जहां बहक। मुल्तान में 42 और रहीम यार खान में 30 अफराद वायरस का शिकार। बहावलपुर में 13, डीजी खान 7, मुजफ्फरगढ़ 4, मियावाली और सरगोधा में 5-5 केसेज रिपोर्ट। मुल्तान में कोरोना मरीजों की शरह 2.95% आ गई। अठारह साल से जायद उम्र अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। रजिस्टर्ड अफराद की वैक्सीनेशन 3 जून से होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, 18 साल से जायद उम्र वाले फौरी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अब किसी भी उम्र वाले अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स को हफ्ते के रोज भी दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई, महकमे सेहत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब समेत सूबा के तमाम अजला में धोबी हफ्ते को भी काम कर सकेंगे, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। पंजाब का बजट 14 जून को पेश करने का फैसला। जनूबी पंजाब का बजट पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम सेंट्रल पंजाब से अलग कर दिया गया। जनूबी पंजाब के लिए नए माली साल में पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। वफाक जनूबी पंजाब को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड्स अलग से देगा। पंजाब में नए माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी से रुकने सूबाई असेंबली अली हैदर केलानी की बजट पर तनकीद, बोले पीटीआई की हुकूमत ने 3 सालों में वफाक और सूबाई सतह पर बजट पेश किए, तीनों बजट मायूसकुन रहे, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, आवाम को इस बजट में भी कुछ नहीं मिले वाला। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 11 जून तक तौसी, तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी क्यों तब्दील किया, अदालत के इजहार पर हमी, एफआईए हुकाम को शोकॉस। जहांगीर तरीन के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट समाअत भी 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। हमारे साथ सियासत नहीं इंसाफ किया जाए, बहुत दिन गुजर गए, ज्यादा ताखिर हो जाए तो इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है। जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, अली जफर रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का मुतालबा, किसी भी हुकूमती अहदेदार से मुलाकात की तरदीद कर दी। मुल्तान में आवाम के लिए घर बनाना मुश्किल तर, तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे को ब्रेक न लग सकी। ईंटों के बाद रेत और मट्टी की कीमतों में भी इजाफा, मट्टी और रेत की ट्रॉली 500 रुपए महंगी, मट्टी की ट्रॉली की कीमत 2200 से रेत की ट्रॉली 2700 रुपए तक पहुंच गई, शहरी परेशान। नवाबों के शहर में मरीजों की मुश्किलात, कब होगी कम? बहावल विक्टोरिया अस्पताल के सुबह इमरजेंसी की सीटी स्कैन मशीन खराब, 10 रोज बाद भी मशीन ठीक न करवाई जा सकी, इमरजेंसी इंतजामिया का मौकिफ देने से इंकार, मरीज ख्वार होने लगे, मशीन को जल्द अज जल्द ठीक करवाने का मुतालबा कर दिया। सूबा बंद, सूबा सिंध की जानिब से पानी की तकसीम पर तहफुजात का इजहार, मियांवाली में अरसा टीम का
चश्मा और जना बैराज पर छापा, दोनों बैराजों पर पानी की इंस्पेक्शन की और तमाम आदाद शुमार को चेक किया। मशीनरी, कंप्यूटर सिस्टम, सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। इरसा को वापदा और इरिगेशन की जानिब से भेजे गए तमाम आदाद शुमार दुरुस्त पाए गए। रंगपुर में इंतजामिया की गफलत या आदम दिलचस्पी, रंगपुर कनाल तहाल गैर फाल, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान, कमाद की फसल मुतासर, जानवरों का चारा भी खुश्क, तीन तहसीलों के काश्तकार महंगे दामों पानी लगाने पर मजबूर, किसान परेशान, रंगपुर कैनाल को फाल करने का मुतालबा। डीजी खान में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत का आजम, सयाहती मकाम कोहे सलेमान पर काम के फौरी आगाज के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड्स दे दिए गए। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि 10 करोड़ रुपए की लागत से सयाहत के फरोग के लिए 7 स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। पॉलिटिकल असिस्टेंट के पुराने दफ्तर की बहाली भी मंसूबे में शामिल। रहीम यार खान में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा कदम, दही हेल्थ मर्कज खानवेला को 60 बेड्स पर मुश्तमिल टीएचक्यू में अपग्रेड करने की तजवीज भिजवा दी गई। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान का कहना है कि आरएचसी मियाबाली का 50% काम भी मुकम्मल हो चुका है। क्लास 4 के मुलाजमीन को स्केल 7 दिया जाए। सरगोधा में प्रेस क्लब के सामने दर्जे चहारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। बहावलनगर में भी महकमा अनहार के क्लास 4 के मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। फौरी तौर पर दर्जे चहारों मुलाजमीन की अपग्रेडेशन का मुतालबा तस्लीम न करने पर 8 जून को वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। अलीपुर थाना सदर की हदूद में बासर अफराद का जुल्म, बेवा खातून की जिंदगी चूरन कर दी। हमसायों और रिश्तेदारों ने बेवा को अपने जाती घर से बेदखल कर दिया। बेवा यतीम बच्चों और जवान बेटी के साथ दरबदर, नस्लीन बीबी का पुलिस पर कार्रवाई न करने का इल्जाम। एसएचओ थाना सदर ने कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। लोधरा में रोही की कावे सुरंग ले आई। रोही पर खबर चलते ही गुमशुदा बच्चे के वरस्ता मिल गए। शाहसेब के वरस्ता की जानिब से रोही टीम और पुलिस को दुआए। दादा गुलाम नबी का कहना है कि कल से बच्चा लापता था, बच्चे की तलाश में दर बदर थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुरम अली का जलालपुर पीरवाला का दौरा। आरपीओ मुल्तान की डीएसपी ऑफिस में खुली कचहरी। सालीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। आरपीओ की संगीन जुराम के जेर तफ्तीश, मुकदमात के मुदयान से भी मुलाकात और मसाइल दरियाफ्त किए। अफसरान को जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द मैरिट पर हल करने की हिदायत। कायदाज मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में तदरीसी अमल का आगाज। इब्तदाई तौर पर 3 क्लासेस शुरू की गई। प्रिंसिपल डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम का कहना है कि तमाम तलबा के लिए वैक्सीन लाजमी करार दी गई है। जिनकी वैक्सीन नहीं हुई उनके लिए कॉलेज में ही वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। कोरोना पर काबू, मुल्तान के पार्क खोल दिए गए। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स शाहिद गफ्फार का कहना है कि शहरी कोरोना एसओपीज पर अमल पैरा होकर पार्कों का रुख कर सकते हैं। दूसरी जानब खेलों की सरगर्मियों पर लगाई गई पाबंदी खत्म, ग्राउंड्स एक बार फिर से आबाद होने लगे। स्पोर्ट्स से मुंसलिक कारोबारी अफराद की जानिब से खुशी का इजहार। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से बीडीएस फाइनल ईयर के नतायज जारी। मुल्तान निस्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की तालिबा फातिमा खालिद ने 3री पोजीशन हासिल की और इम्तिहान में 70 तलबा ने हिस्सा लिया, 67 कामयाब हुए। रहीम यार खान में दूर तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। जिला भर के 22 सरकारी कॉलेजेस को 23 नई बसें और 10 कोस्टर्स देने का फैसला। जिला इंतजामिया ने प्रपोजल एचईडी को भिजवा दिया। नई बसों की स्कीम को सालाना 2021-22 के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। मुल्तान में अमरसन यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड प्रोफेसर्स जावेद इकबाल अंसारी और असलम चौधरी के एहसास में तकरीब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद चौधरी की जानिब से केक काटा गया। दूसरी जानिब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा मुल्तान मुश्ताक खान भी रिटायर हो गए।
मुश्ताक खान के एहसास में अलविदाया तकरीब का इनेकाद। एमपी वासा नासिर इकबाल ने मुश्ताक खान को एहसास शील्ड दी। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन। पाकिस्तान में 36% मर्द 9% खवातीन तंबाकू नोशी में मुबतला। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 15% तलबा भी तंबाकू नोशी का शिकार। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट शेख जैद हस्पताल डॉक्टर इमरान बशीर के मुताबिक मुल्क में रोजाना 300 अफराद तंबाकू नोशी के बायस होने वाली बीमारियों की वजह से मरते हैं। और भारत के साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का आबाई घर अहमदपुर शर्किया में मौजूद। हथेजी में लाला राम की हवेली अटल बिहारी वाजपेयी से मंसूब। 80 साल बाद भी हवेली अपनी असल हालत में मुकम्मल शान शौकत से मौजूद। 1947 में तकसीम पाको हिंद के वक्त हिंदुओं को हवेली छोड़कर जाना पड़ा। हवेली के अब मौजूदा मालिक लाला जुल्फकार हैं।